25 जनवरी की शाम गट्टू चिंकी घर आए तो आते ही पापा के पीछे हाथ मुंह धोकर शुरू हो गए। पापा दो ना लिख के, कल रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें स्पीच देना ही होगा। मिश्रा सर ने हमें बिना पूछे हमारे नाम डाल दिए हैं। मम्मी आती है और पापा से कहती है, दे दो ना लिख कर, बेचारे कब से पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, नोटबुक लाओ। गट्टू नोटबुक देता है, पापा उसे स्पीच लिख कर देते हैं। जाओ मारो रट्टा। गट्टू चला जाता है, पापा चिंकी की नोटबुक लेकर स्पीच लिख देते हैं और चिंकी स्पीच की प्रैक्टिस करने निकल जाती है। 26 जनवरी की सुबह हो गई, गट्टू चिंकी तैयार होकर पापा के साथ स्कूटी पर बैठकर स्कूल के लिए निकले। रोड पर काफी ट्रैफिक था, सारे लोग झंडा वंदन करने के लिए एक साथ बाहर निकले थे और तेजी से अपने अपने वाहन भगा रहे थे। इधर पापा के पीछे बैठा गट्टू अलग ही दुविधा में था, वो सारा स्पीच भूल गया था और याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट तेजी से अपनी बाइक पर उनको ओवरटेक करके निकला और सामने जाकर उसने तेजी से बाइक को ब्रेक लगाया। पापा ने भी स्कूटी रोक दी। गट्टू चिंकी ने देखा एक सीनियर महिला को बाइक का धक्का लगा था। क्यों रे लड़के, अंधे हो क्या? आप अंधी हो क्या? बात करने की तमीज नहीं है तो सड़क पर बाइक न चलाओ। भाई मुझे अधिकार है, मैं कैसे भी कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप सड़क से दूर रहो। ऐसा कहकर लड़का तेजी से निकल गया, महिला भी निकल गई। पापा कहने लगे, बच्चों तुम इस पर ध्यान ना दो, अपने स्पीच पर कॉन्सेंट्रेट करो। पापा ने स्कूटी स्टार्ट की और वो आगे बढ़ने लगे। रेड सिग्नल मिला तो पापा ने स्कूटी रोक ली, लेकिन बाकी वाहन सिग्नल मिलने पर भी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। गट्टू यह सब नोटिस कर रहा था। इतने लापरवाह हैं ये सब, इधर रूल तोड़ेंगे और स्टेज पर जाकर लंबे लंबे भाषण देंगे। भाषण से याद आया, गट्टू भाषण तो याद है ना? पापा की बात सुनकर गट्टू का डर खत्म हो गया था। पापा भाषण तो भूल गया पर क्या बोलना है वो समझ गया। गट्टू चिंकी स्कूल पहुँचे तो झंडा वंदन हो चुका था और बच्चों के स्पीच शुरू हो गए थे। गट्टू चिंकी को देखकर मिश्रा सर उनके पास आए और बोले, ये कोई टाइम है आने का? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। चिंकी अब तुम्हारी ही बारी है, जाओ। चिंकी स्टेज पर गई और भाषण देने लगी। उसका भाषण सुनकर सारे उपस्थित चीफ गेस्ट और हेडमास्टर पांडे खुश होकर तालियां बजाने लगे। चिंकी का भाषण खत्म होते ही गट्टू की बारी आई। मिश्रा सर ने गट्टू को आगे किया। गट्टू माइक के सामने खड़ा हो गया, उपस्थित गट्टू की तरफ देखने लगे कि अब वो क्या बोलेगा। तभी गट्टू ने बोलना शुरू किया, सभी ने यहाँ अच्छे अच्छे स्पीच दिए, अच्छी बातें कही। मेरे पापा ने भी मुझे स्पीच लिखकर दिया था पर मैं वो भूल गया हूँ। गट्टू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। हम सब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं, कोर्ट कचेरी जाते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर सीरियस हैं? स्कूल आने में हम लेट हो गए क्योंकि हम सिग्नल पर रुक गए। जो सिग्नल पर रुके नहीं वो झंडावन करने टाइम पर आ गए। क्या यही गणतंत्र है? तेज बाइक वाले ने एक महिला को ठोक दिया और कहने लगा कि वो जैसे चाहे वैसे बाइक चलाएगा। क्या यह है गणतंत्र? आज का ये समारोह तो बस एक फॉर्मालिटी है। गणतंत्र यशस्वी करना है तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और उनका पालन करना होगा, तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गट्टू की स्पीच खत्म हो गई और तालियों की बरसात होने लगी। सारे उपस्थित खड़े होकर तालियां बजाने लगे क्योंकि गणतंत्र का सही अर्थ गट्टू ने उन्हें समझा दिया था।